हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि हम घर पे ही पार्लर स्टाइल में पेडिक्योर कैसे कर सकते हैं, वो भी बिना एक रुपया खर्च किए। हमेशा ऐसा होता है कि जब हम स्लीपर पहनते हैं तो हमारे पाँव में स्लीपर की अलग सी दाग होती है, सनटेन हो जाते हैं, एड़ियाँ फटने लगती है, जिसको ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। और हम लेडीज़ के लिए ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। पाँव को खूबसूरत बनाने के लिए हमेशा पेडिक्योर की ज़रूरत होती है। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको एक ऐसी ही रेमेडी जिसके लिए चाहिए हमें एक आलू, टमाटर का जूस चाहिए, एंड चाहिए एलोवेरा जेल और बेकिंग सोडा। अभी हमें क्या करना है, आलू का जो है उसका छिलका उतार के जूस निकालना है, मीन्स ग्रेटेड करके उसका जूस निकालना है। तो आप छोटे से ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हो, या फिर आलू को मिक्सी में भी पीस सकते हो, उसको छानना पड़ेगा। सेम प्रोसेस है, जो आपको सही लगे वो आप करो, बस हमें आलू का जूस चाहिए। तो मैं यहाँ पर ग्रेट कर रही हूँ। आलू एक ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे आपकी स्किन बहुत ही ग्लो करेगी। जो आपके स्किन पे सन टैन होती है वो नेचुरली रिमूव होते हैं, वो भी बिना किसी क्रीम के। अभी मैंने यहाँ पे सारा ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसे छन्नी से छान रही हूँ, इसका सारा जूस निकाल रही हूँ। अभी यहाँ पर मैंने एक बाउल में जूस ले लिया है, ये लगभग 2 स्पून के लगभग जूस है। और आप ये जो आलू का ग्रेटेड हिस्सा है, इसको ब्लीच के तौर पे अपने फेस पे लगा सकते हो, मसाज कर सकते हो, स्क्रब कर सकते हो। तो आप इसको फेंकना नहीं, आप अपने फेस पे लगा लेना। इसके बाद हमें चाहिए टमाटर, टमाटर का जूस चाहिए एक्चुअली में। तो टमाटर का जूस भी हमारे स्किन को बहुत ही रिफ़्रेश करता है, सन टैन रिमूव करता है, आपके स्किन का जो ब्लैकनेस है उसको हटाएगा और आपकी स्किन को काफ़ी गोरी बनाएगा। तो ये नहीं कहती कि आपको एकदम रूप की रानी बना देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आपका जो ओरिजिनल स्किन टोन है उसको वापस लाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो मैंने इसी तरह टमाटर मैं लेती हूँ ताकि ये टमाटर बर्बाद ना जाए, इसको मैं सब्ज़ी में डाल पाऊँ। और मैंने पूरा एक टमाटर लिया है, मीन्स 2 चम्मच के लगभग आपको जूस चाहिए। तो हमें चाहिए अभी एलोवेरा जेल, मैंने पतंजलि का लिया है। एलोवेरा जेल भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारी स्किन को नेचुरली फेयर करने में काफ़ी हेल्प करता है, हमारी स्किन को एकदम नरिश करता है। सनस्क्रीन की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैंने लिया है बेकिंग सोडा। ध्यान रहे, बेकिंग पाउडर नहीं लेना है, बेकिंग सोडा लेना है। और इसको अच्छे से अब मिक्स करना है, मीन्स इतने अच्छे से मिक्स करना है ताकि बेकिंग सोडा का एक झाग आपको दिखने लगे। बेकिंग सोडा जो है हमारी स्किन के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन हमारे जो लेग्स के लिए बहुत अच्छा होता है, कोहनियों के लिए अच्छा होता है। इसको कभी आप अपने फेस पर ट्राई ना करें, क्योंकि बेकिंग सोडा को फेस पर बिल्कुल ट्राई नहीं करना चाहिए। जैसी मेरी स्किन मुझे प्यारी है, वैसे ही आप लोगों को भी अपनी स्किन प्यारी होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला पैर पर बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन स्किन पर इसको ट्राई मत करना। अब मैंने एक पुराने टूथब्रश की हेल्प से, जो मेरे पैर है आप देख सकते हैं कितने टैनिंग है पैर पे, तो इसको मैं रिमूव कर रही हूँ, ब्रश कर रही हूँ। समझो जैसे टीथ पे ब्रश करते हैं ना, उसी टाइप से आपको अपने लेग्स पे ब्रश करना है अच्छे से। और आप देख सकते हैं कि मेरा पाँव कैसा पहले दिख रहा है, और जब मैं इस प्रोसेस को पूरा कर लूँगी तब आप इसके देखना मेरा पाँव कैसा दिखेगा। तो अभी मैंने एक पाँव पे अपने ब्रशिंग की है, और दूसरे पाँव पे भी करके इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अगर आपको बेकिंग सोडा से या किसी भी चीज़ की एलर्जी है तो एक बार पैच टेस्ट ज़रूर ले लेना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। अभी मैंने यहाँ पे लगा के 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और यहाँ पे अभी देख सकते हो ये सूखने वाला है। अब मैं इसको रिमूव करके दिखाती हूँ मेरा पैर। तो ये रहा मेरा ओरिजिनल पाँव जो घर पे पेडिक्योर होने के बाद हुआ है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाना ताकि न्यू अपडेट्स मिले।